केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सुतियाल पाड़ा गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण पूरा गांव अंधेरे में डूब गया है। सुतियाल पाड़ा गांव के ग्रामीणों के मुताबिक गांव में 300 विद्युत कंज्यूमर हैं। 300 विद्युत कंज्यूमर को विभाग द्वारा 100 केवीए के ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति करवाई जाती है। कंज्यूमर का कहना है कि सालों से हम लोगों को लो वोल्टेज का सामना करना पड़ता है। कहा कि समस्या को लेकर कई बार मौखिक रूप से विभाग को शिकायत की गई है, किंतु आज भी इस गांव के लोग लो वोल्टेज का दंश झेलने को मजबूर है। वहीं सुतियाल पाड़ा विद्युत कंज्यूमर ने आरपी भारत के पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गांव में लगाए गए 100 केवीए का ट्रांसफार्मर भी कई दिनों से जला पड़ा है, जिसके कारण पूरे गांव में 10 दिनों से अंधेरा छाया हुआ है, जिसके कारण लोगों को घरेलू कार्य सहित छात्र छात्राओं को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। वहीं मामले को लेकर राजमहल सहायक विद्युत अभियंता डांगी ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, यथाशीघ्र उक्त गांव में ट्रांसफार्मर की मरम्मति कर विद्युत बहाल कर दी जाएगी। तालझारी से आनंद भगत के साथ तापोष गांगुली की रिपोर्ट। अच्छा, इस पूरे गांव में आपका कितने कंज्यूमर हैं? कम से कम 300 होगा। 300 कंज्यूमर हैं? हाँ। और ये ट्रांसफार्मर कितने केवी का है? 100 केवी का है। 100 केवी का है? हाँ। तो 100 केवी के ट्रांसफार्मर में क्या 300 कंज्यूमर का भरपाई हो जाता है? नहीं, तो कम भर पंखा भी ना घूर रहा है, तो मोबाइल चार्ज। तो इसके बारे में आप लोगों ने बहुत दिन पहले भी क्या इन्फॉर्म किए थे? किए थे। कितना दिन पहले? 15 दिन पहले की 10 दिन पहले। अच्छा, और 10-15 दिन पहले आपके ट्रांसफार्मर में क्या समस्या थी? वोल्टेज नहीं आ रहा था। वोल्टेज नहीं आ रहा था, और कुछ? गाँव से जिसने इन्फॉर्म किया था उसका नाम? उसका नाम है परचू सुरेंद्र। उन्होंने रिपोर्ट किए थे? हाँ, 10 दिन पहले वो रिपोर्ट किए थे। अच्छा, तो वो रिपोर्ट होने के बावजूद आपका कोई भी अधिकारी या कोई भी यहाँ पे आया था? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। अच्छा, तो ये 100 केवी का ट्रांसफार्मर से जो प्रॉब्लम आपका जो हो रही थी ये कितने दिन पहले से हो रही थी? 100 के लगभग अभी तो अप डाउन कर रहा है, एक महीना से अप डाउन हो रही थी। और उस बीच में और भी किसी प्रकार की नुकसान? नहीं, एक पेज खत्म हो गया था, जो सरकारी आदमी आकर इधर एक पेज का ठीक किया, तो एक पेज में पूरा गांव चला रहे थे। अच्छा। हम लोग एक पेज में, इसीलिए उसके कारण ना ही मोटर चलता है, कुछ भी नहीं चलता है, ओनली मोबाइल चार्ज होता है। एक ही पेज में काम हो रहा है? ओनली एक ही पेज में काम हो रहा था। तो उसके बावजूद आप लोगों ने क्या सरकारी अधिकारी को सूचित किए थे? अभी तो वही तो बोले, 10 दिन पहले बोले थे जेको, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिसमें कुछ दिन के बाद ये जो ट्रांसफार्मर है खुद पे खुद जल गया, जिससे विद्युत विलुप्त हो गया, विद्युत का अभी तक कोई आगमन नहीं है, जिससे गांव में काफी कठिनाई हो रहा है, पढ़ाई में हो, लिखाई में हो, चाहे रहने में हो, काफी कठिनाई होता है, जिससे 200 केवी का ट्रांसफार्मर मेरे गांव में चाहिए, क्योंकि मेरे गांव काफी लंबा 300 कंज्यूमर है, जिसमें 100 केवी का ट्रांसफार्मर से संभव नहीं है लाइट लेना, इसीलिए हम लोग